अभी सो के उठे हैं, कपड़े धोने की तैयारी है, अटैची में ही रख लिए कपड़े। सेम जापान वाली मशीन है, एक मशीन खाली है। देखते हैं, धूप काफ़ी अच्छी खासी है। देखते हैं यहीं पे आसपास ही है इंडियन रेस्टोरेंट। एक तो वो कलकत्ता करके था नाम, देखते हैं वही वाला खुला है वो कलकत्ता वाला। वाईफाई की जो वाइब है ना वो एकदम ही डिफरेंट है। हम जो रिफैंग में थे तो रिफैंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्री साइड था, लोग भी कम थे और गाँव गाँव जैसा था। लेकिन टाइपे तो पूरा शहर है, पूरा जैसे बहुत भीड़ है यहाँ पे। सड़क क्रॉस करने का टाइम आ गया, करनी है ना। ऐसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, सही है। लेकिन वाकांजा को शिनचैन है और ये शीरो अच्छा अच्छा है, लेकिन ये मुझे क्रेलिन अच्छा लग रहा है। पर महंगे महंगे कितने का है? $1,000 का। चलो मेरा डोरेमोन। टाइम चल रहा है 6 सेकेंड है, 10 सेकेंड ही मिलते हैं इसमें, क्यों देखते ही मिलता है कि नहीं मिलता, अपने आप ही जाएगा। अरे यार नहीं आया। चलिए यार, यहाँ तो ज़्यादा वैरायटी लग रही है इसकी, ड्रैगन बॉल की अच्छा लग रहा है। पिकोलो हो गया, हाँ अच्छा लग रहा है ये वाले काफ़ी, लेकिन यहाँ इस पर रेट नहीं लिखे। यहाँ पे मुझे कुछ वैरायटी तो मिली अच्छी ड्रैगन बॉल की खासकर, लेकिन क्या है कि यहाँ बहुत महंगा प्राइस है। मतलब अगर हम जापान से ले तो सस्ता पड़ेगा। मैं ठीक है, मुझे वैसे भी लेना ही है मतलब जापान से ड्रैगन बॉल के कुछ फिगर लेने हैं इंडिया जाने से पहले। हमें ये रेस्टोरेंट तो मिल गया कलकत्ता इंडियन फूड, पर क्लोज है। रुमाली रोटी, हाँ यार इधर खा लेते हैं, अभी सही है ना, खा लेते हैं। कितनी देर लगी? ये 2 बजे। हाँ ये 2 बजे। हाँ 2 बजे बिरयानी कॉर्नर अच्छा। आप अकेले? अच्छा मेन्यू दिखाएंगे, मेन्यू भी देख। ईपी नाम है इसका, ईपी इंडियन रेस्टोरेंट। ये ईपी नहीं है, वो चाइनीज में लिखते हैं उसको इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा ये जो लिखा हो ना ऊपर ईपी, अच्छा इंडो इंडो। हाँ इंडो। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं शीमेन मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम जाएंगे म्यूज़ियम। अभी डिसाइड नहीं किया, पेट तो पूरा भरा हुआ है, तो म्यूज़ियम जाके ही देखेंगे कि म्यूज़ियम जाने से पहले देखेंगे कि, क्योंकि हमने 3 मेट्रो चेंज करनी है, 1 घंटा लगेगा कम से कम। तब देखेंगे कि वहाँ जाके हमने वो करना है, साइकिल लेनी है या म्यूज़ियम के बाद लेनी है। अब हमने इस मेट्रो में जाना है, मेट्रो चेंज कर ली, ये ब्राउन लाइन है, ये देखो ये आ रही है सामने से। ये स्टेशन से बाहर आ गए, यहाँ पे लिखा है मेरा मारी सिनेमा और ये व्हील है, चल रहा है व्हील। बादल भी अच्छे जा रहे हैं और बादल ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ के, बहुत ही मतलब नीला आसमान यही होता है ज़बरदस्त। तो हम जा रहे हैं, हमें साइकिल का स्टैंड मिल गया यू बाइक का, तो देखते हैं अच्छी कोई यू बाइक मिले। आज हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, हमने सुबह ही सुबह ऐप डाल दिया था साइकिल का, और हमारे पास मेट्रो कार्ड भी है। तो अब देखते हैं साइकिल खुलती है नहीं खुलती है, कैसे कैसे चलती है। भाई खोलने से पहले ब्रेक दबा के देख लो, ठीक है। साइकिलें वहाँ बहुत रखी है,
वो देखो सामने भी बहुत रखी है, तो ऐसा ना हो कि कोई गलत साइकिल खोल रहा हो। स्कैन QR कोड 2291। ए मोबाइल वाला सीन ये नहीं है, मोबाइल वाला ये नहीं क्या रेंट या IC कार्ड ही करना पड़ेगा। हाँ तो IC कार्ड से करते हैं यार। ये क्या चक्कर है यार, ये इसमें छेद क्यों है साइकिल में, कुछ अलग ही लग रहा है। तो ये साइकिल है, इसमें कुछ आ तो नहीं रहा यार, कुछ दिख नहीं रहा। लोडिंग अब हो रही है। यू बाइक हाई देर, और ये गियर है ये भी ठीक है। खोल दी IC कार्ड लगाना है किधर, सर्च कर रहा है, अनरजिस्टर्ड आ रहा है, अनरजिस्टर्ड ये है। नेशनल पैलेस म्यूजियम न्यू ताइपाई सिटी, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे टाइम लैप्स भी अच्छा आएगा, सब तो बंद है। यहाँ पे टाइम लैप्स बना सकते हैं, यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं। और एक वो सामने है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑटो व्लॉग तो अभी बस का नहीं है, अपने साइकिल व्लॉग चल रहा है हमारा। अब चला रहे हैं साइकिल, आगे मोबाइल रखा हुआ है। बहुत झंझटों बाद हमें ये मिली है साइकिल। तो मेरे व्लॉग में ये कुछ नया है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ यहाँ पे ताइवान में। मुझे लग रहा है इस व्लॉग का नाम देना चाहिए ताइवान ऑन व्हील्स। खुली सी जगह है, पब्लिक भी है काफ़ी, सही लग रहा है। यहाँ पे ऊपर आ गए एकदम, यहाँ से व्यू देखते हैं कैसा है। मेरे ख्याल से ये सनसेट का व्यू है। आंटी से आम लिया है $133 का। तो आंटी अभी आम काट रही है, मैंने उनको बोला काट के दे दो आम। छोटे छोटे प्याज लगे हुए हैं, ये प्याज लग रहे हैं।
ये सब नूडल्स हो गए और ड्राई फ्रूट हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट मतलब अरे वो जैसे आम वगैरह के वो नहीं तो पीसेस होते हैं सूखे हुए, और ये अंडे हो गए। रेट तो पता नहीं रेट क्या, रेट तो वो ये यहाँ से ले जाओ फिर वहाँ वो तराजू में चेक करके रेट बताते हैं कि कितना है।